ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। देखते हैं देश विदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भूकंप से तबाह तुर्की, सीरिया में विनाश के बीच जिंदगी की तलाश जारी है। दोनों देशों में मरने वालों की संख्या पहुंची 15,000 के पार। तुर्की में भूकंप से बची तबाही के बाद राहत बचाव का काम जारी है। मलबे के अंदर से बहुत से लोग मिल रहे हैं जिंदा, मशीनों से हटाया जा रहा है मलबा। तुर्की के कई शहरों का बड़ा इलाका मलबे में हुआ तब्दील। गैस कटर और कंक्रीट भेजने वाली ड्रिल से हटाया जा रहा है मलबा। स्नीफर डॉग स्क्वाड की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। भूकंप के बाद तुर्की के कई शहर बने खंडहर। कहार नामारास शहर की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। भूकंप से हुई तबाही के बीच लोगों को बचाने की जंग जारी है। बेहद मुश्किल से बचाई 7 साल की मासूम की जान। घंटों चले ऑपरेशन के बाद मासूम को मलबे से निकाला गया बाहर। सीरिया में मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इदलिब में 40 घंटे तक मलबे में फंसा रहा मासूम, रेस्क्यू टीम ने मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला। इदलिब शहर में रेस्क्यू टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कई बच्चों समेत एक बुजुर्ग को मलबे से निकाला गया। लोगों ने तालियों से किया परिवार का स्वागत। सीरिया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। एक पिता ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने बच्चे की जान बचाई। भूकंप की भयानक तस्वीर के बीच एक सुखद तस्वीर आई सामने। मलबे के अंदर से बच्चे को निकाला गया बाहर। बाहर निकलते ही बच्चा रेस्क्यू टीम के साथ खेलने लगा। तुर्की की मदद के लिए आगे आया भारत। एनडीआरएफ की तीसरी टीम हुई रवाना। आईएएफ के विमान से राहत सामग्री भेजा गया। आज बीजेपी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देश को 25 नशा मुक्ति केंद्र समर्पित करेंगे। सुबह 11 बजे अमेरिकन इंटरनेशनल सेंटर में होगा कार्यक्रम। लखनऊ में होने जा रहे G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। 13 से 15 फरवरी तक G20 की बैठक होगी। पीएम मोदी आज शेरपाओं की स्थापना बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। अहमदाबाद में होगी G20 शेरपाओं की बैठक। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी। तमाम आरोपों पर जवाब दे सकते हैं पीएम। प्रधानमंत्री मोदी कल महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में धर्म परिवर्तन के आरोपी इरफान शेख की जमानत अर्जी पर सुनवाई। 22 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। इरफान शेख पर जबरन 450 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। वकील की दलील, जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों से समाज और हमारे धर्म निरपेक्ष ताने बाने पर पड़ता है गंभीर प्रभाव। सीएम ममता बनर्जी आज द्वारे सरकार शिविरों का उद्घाटन करेंगे। द्वारे सरकार पहल के तहत पूरे पश्चिम बंगाल में सेवा वितरण शिविर शुरू करेंगे। गाजियाबाद की कोर्ट में घुसा तेंदुआ, काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। हमला कर तेंदुए ने 6 लोगों को लहूलुहान किया। ब्रिटेन के दौरे के बाद फ्रांस पहुंचे जेलेंस्की। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नो ने पेरिस ओर्ली हवाई अड्डे पर किया उनका स्वागत। यूक्रेन को फाइटर जेट दे सकता है ब्रिटेन। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने रक्षा मंत्री को दिया आदेश। जेलेंस्की ने ब्रिटेन से मांगे लड़ाकू विमान। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने ओरेगन रॉकेट लॉन्चर से बरसाया बारूद। रूसी हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हुए। यूक्रेन के बाद पोलैंड को रूस से हमले का डर। अमेरिका से घातक हथियार खरीदेगा पोलैंड। यूएस पोलैंड में $10 बिलियन की हुई है बड़ी डील। मरियंका में रूस ने किया जबरदस्त अटैक। मरियंका में मौजूद यूक्रेन का कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हुआ। होवित्ज़र से हमले कर यूक्रेन को पहुंचाया बड़ा नुकसान। बाखमुट की जंग में अजोब बटालियन का एक्शन आया सामने। अजोब जवानों ने होवित्ज़र तोपों से किया जबरदस्त अटैक। हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर। रूसी सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। पूर्वी यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी पोजीशंस पर हमले। रूस के एफएसटीए होवित्ज़र तबाह करने का दावा। यूक्रेन के जंगी मैदान में रूस ने किया जबरदस्त अटैक। यूक्रेन के 86 आर्टिलरी ठिकानों को तबाह किया। रूसी स्ट्राइक में 240 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेनी ठिकाने पर भारी गोला बारूद नष्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। कहा, गालियों के शस्त्र से मुझे कुछ नहीं होने वाला। पीएम मोदी ने राहुल का बिना नाम लिए तीखा हमला बोला है। कहा, कुछ लोग अपने और अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन मोदी तो 140 करोड़ के परिवार के साथ जी रहा है। लोकसभा में गरजे पीएम मोदी। कहा, देश की 140 करोड़ जनता मेरी सुरक्षा कवच। झूठ मोदी को भेद नहीं सकता। अहंकार में डूबा है विपक्ष।
पीएम मोदी ने दुष्यंत कुमार की कविता से विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मोदी पर भरोसा अखबारों टीवी से नहीं, देश के लिए अपना जीवन खपा दिया। संसद में हंगामा करने वालों को पीएम मोदी का जवाब, कहा पूरी दुनिया में भारत की तरक्की का डंका बजा। विपक्षी एकता पर मोदी का तंज, कहा चुनाव नतीजे जिन्हें साथ नहीं ला सके उन्हें ईडी ने एक कर दिया। संसद में खास तरह की जैकेट पहनकर पहुंचे पीएम मोदी, प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल कर बनाई गई जैकेट। पीएम मोदी ने गिनाए अपनी सरकार के काम, कहा विपक्ष की गालियों से मुझे कुछ नहीं होगा, 140 करोड़ भारतीय मेरे सुरक्षा कवच। पीएम मोदी ने यूपीए के करप्शन की लिस्ट गिनाई, कहा लोकतंत्र में आलोचना उसकी मजबूती के लिए है, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ आरोप लगाने में गंवाए 9 साल। पीएम मोदी को की स्पीच पर बोले राहुल गांधी, कहा पीएम ने नहीं दिए मेरे सवालों के जवाब, अडानी मामले में जांच की बात नहीं की। लातवी अग्निकांड में पश्चिमी मीडिया ने रूस पर किया शक, फैक्ट्री में धमाके के पीछे रूस का हो सकता है हाथ। 24 फरवरी को भीषण हमले की तैयारी में है रूस, डोनबास की जंग को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी, रूस को हो रहे भारी नुकसान से पुतिन पर बढ़ा दबाव। रूस ने अब यूक्रेन के नए इलाकों में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को तेज कर दिया है, यूक्रेन के 17 इलाकों में रूसी सैनिकों ने धावा बोला। ऑटियोरमोस्क में फ्रंट पर यूक्रेन की फौज बैकफुट पर चली गई है, रूस के हमले के बाद यूक्रेनी सैनिकों को पीछे हटते देखा गया। रूस की रॉकेट फोर्स का काउंटर अब यूक्रेन ने अमेरिका की M777 तोपों से करना शुरू कर दिया है, M777 की गोलाबारी से कई मोर्चों पर रूस की फौज में अफरा तफरी देखी गई। रमजान कादिरोव ने पुतिन की जीत का सीक्रेट प्लान लीक किया, कादिरोव ने किया दावा रूस 2023 में युद्ध जीतने वाला है। बाखमुट बॉर्डर से यूक्रेनी सेना का वीडियो आया सामने, टैंक से रूसी ठिकाने को निशाना बनाया, हमले में रूस को हुआ भारी नुकसान। सुबह सुबह बाखमुट से आई खतरनाक तस्वीर, बाखमुट में आमने सामने की जंग हुई तेज, आर्टिलरी से दोनों सेना एक दूसरे पर कर रही अटैक। वॉर जोन से आई विध्वंसक तस्वीर, बर्फ के बीच यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं भीषण अटैक, हर मोर्चे पर सफल होना चाहते हैं यूक्रेनी सैनिक। संसद में रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला, गिनाए कांग्रेस के घोटाले, कहा आरोप लगाने वाले बेल पर हैं बाहर। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की, नेतन्याहू ने ट्वीट कर कहा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने पर हुई बात। दिल्ली मेयर चुनाव में देरी पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दिल्ली सरकार एलजी एमसीडी कमिश्नर और प्रोटेम स्पीकर से मांगा जवाब, 13 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई। दिल्ली में जासूसी कांड पर गरमाई सियासत, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया जासूसी का आरोप, कहा छिपकर बातें सुन रही आम आदमी पार्टी। आम आदमी की एमआई फिर होगी महंगी, आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.5% हुई, लगातार छठी बार आरबीआई ने बढ़ाई रेपो रेट। मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना महमूद मदनी, एक देश में रहते हैं तो डीएनए एक ही है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा हम सब भारत में रहते हैं तो डीएनए एक ही है, मुसलमान कहीं और से आई हुई कौम नहीं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का पीएम मोदी पर निशाना, मनीष सिसोदिया पर सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा एक मामले की जांच करने में 7 साल लग गए। बाखमुट के उत्तरी बाहरी इलाके में जंग हुई तेज, यूक्रेनी सेना ने BTR-4 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से रूसी ठिकानों पर किया अटैक, आमने सामने की जंग में दोनों को हुआ भारी नुकसान। डोनेस्क में भी यूक्रेनी सेना ने कसी कमर, टैंक से रूसी सैनिकों को निशाना बनाया, हमले में रूस का टैंक तबाह हुआ। बाखमुट में यूक्रेनी सेना आई एक्शन में, आर्टिलरी से रूसी सेना के ठिकानों पर किया ताबड़तोड़ अटैक, हमले में रूस को हुआ भारी नुकसान। महायुद्ध के बीच जेलेंस्की ने किया ब्रिटेन का दौरा, एयरपोर्ट पर जेलेंस्की की अगवानी खुद पीएम ऋषि सुनक ने की। एयरपोर्ट के बाद दोनों नेता 10 डाउनिंग स्ट्रीट गए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ऋषि सुनक का निवास। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जेलेंस्की का हुआ भव्य स्वागत, सभी सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट से जेलेंस्की का वेलकम किया। ब्रिटेन पहुंचने के बाद लंदन के बकिंगहम पैलेस पहुंचे जेलेंस्की, बकिंगहम पैलेस में किंग चार्ल्स से मिले जेलेंस्की, दोनों के बीच काफी देर तक हुई बातचीत। जेलेंस्की और सुनक ने साउथ इंग्लैंड के एक सैन्य अड्डे का दौरा किया, इस सैन्य अड्डे में यूक्रेनी सैनिकों को दी जा रही है चैलेंजर टैंक चलाने की ट्रेनिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने किया बहुत बड़ा ऐलान, यूक्रेन को मार्च में मिलेंगे ब्रिटिश चैलेंजर टैंक। ब्रिटेन ने कहा अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने का वक्त आ गया है, यूक्रेन की नेवी और एयरफोर्स को ब्रिटेन में दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। राजस्थान कांग्रेस में फिर सियासी संकट के संकेत हैं, बजट के बाद राजस्थान में हो सकता है बड़ा बदलाव, कार्यक्रम छोड़कर चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचे डोटासरा सुखविंदर। यूपी पुलिस के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी है, ड्यूटी के दौरान फेसबुक इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर रोक, अपने पर्सनल अकाउंट भी नहीं चला पाएंगे पुलिसकर्मी। चंडीगढ़ में बंदी सिखों की रिहाई को लेकर हिंसक प्रदर्शन, मोहाली से चंडीगढ़ पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की।
त्रिपुरा के राजनगर में लेफ्ट सरकार पर राजनाथ सिंह का हमला, कहा लेफ्ट की सरकार ने राज्य की तरक्की रोकी। त्रिपुरा के उनाकोटी में सीएम योगी ने की रैली, कहा सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं देश की सुरक्षा, भारत में आज नहीं कर सकता कोई हिंसा। त्रिपुरा में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन जारी है। अगरतला में डॉक्टर माणिक साहा ने कहा त्रिपुरा के लिए डबल इंजन की सरकार बेहद जरूरी। त्रिपुरा के चुनावी घमासान में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बयान, कहा चुनाव के लिए त्रिपुरा में विभाजन की सियासत नहीं करने देंगे। मेघालय चुनाव के लिए 379 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, 60 सदस्य विधानसभा के लिए 27 फरवरी को होने हैं चुनाव। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, कानून व्यवस्था विकास नौकरी देने का वादा किया। मेघालय चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और एनपीपी कार्यकर्ताओं में हुई जमकर झड़प, चाटापारा बूथ पर एनपीपी समर्थकों ने लाठी डंडों से हमला बोला। सीरिया के अलेप्पो में मलबे में दबे मासूम बच्चे को बचाया गया, रेस्क्यू टीम ने बहादुरी से काम करते हुए बच्चे को बाहर निकाला। सीरिया के इदलिब में इमारत के मलबे के नीचे 40 घंटे से दबी एक छोटी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया, रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद बच्ची को जिंदा बाहर निकाला। समंदर में बारूदी माइंस का जाल बिछा रहा ताइवान, चीनी वॉरशिप के खिलाफ सी माइंस डिप्लॉय कर रहा है ताइवान। अमेरिका से वोल्केनो और सी माइंस खरीद रहा है ताइवान, सी माइंस से चीनी आर्मी को रोक सकेगी ताइवानी नेवी। ताइवान ने चीन तक मार करने वाले मिसाइल का टेस्ट किया, ताइवान ने जियू पेंग बेस से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। स्थानीय मीडिया में हुंगशेंग क्रूज मिसाइल के टेस्ट का दावा, मीडिया ने कहा हुंगशेंग क्रूज मिसाइल का परीक्षण रहा सफल। अमेरिकी सदन में उठा चीन के बढ़ते न्यूक्लियर पावर का मुद्दा, हाउस आर्म्ड सर्विसेज ने की चीन से उत्पन्न खतरे पर पहली सुनवाई। रूस से मिलने वाले 24 SU-35 के स्वागत के लिए तैयार है ईरान, ईरान ने दुनिया को दिखाया अपना अंडरग्राउंड सैन्य बेस। अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस के लोकेशन को ईरान ने रखा है सीक्रेट, एयरबेस सभी तरह के फाइटर ऑपरेशन के लिए सक्षम है। ईरान की फौज ने जंगी तैयारियों को किया तेज, ईरान की एयरफोर्स ने F-4 फैंटम फाइटर जेट से एंटीशिप मिसाइल दागकर डमी टारगेट को ध्वस्त किया। पाकिस्तान में महंगाई से लोग हुए परेशान, राशन के बाद अब पेट्रोल में लगी आग, पाकिस्तान में पेट्रोल हुआ 500 रुपए लीटर पार। लोकसभा में ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है, कहा हरे रंग को मुसलमानों से जोड़ा जाता है, हर स्तर पर उनके साथ किया जा रहा है भेदभाव। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, बाइक सवार बदमाश महिला से 1.5 महीने की बच्ची छीनकर फरार हुए, पुलिस की कार्रवाई के बाद बच्ची को रास्ते में छोड़कर भागे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस, लोगों ने दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ओडिशा के कोरापुट से सामने आई शर्मसार करने वाली तस्वीर, ओडिशा में पत्नी का शव कंधे पर लटकाए कई किलोमीटर पैदल चला शख्स, इलाज के लिए अस्पताल जाते वक्त महिला की मौत के बाद ऑटो वाले ने बीच रास्ते में उतारा, बाद में पुलिस ने शव को एम्बुलेंस से गांव भेजा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने की अपील की, गौ रक्षकों ने किया स्वागत, का अनिवार्य करे सरकार। वैलेंटाइन डे को काउ हक डे के रूप में मनाने की अपील पर विवाद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि चलिए सरकार ने हमारा वैलेंटाइन डे प्लान भी बना दिया। अखिलेश यादव आज से 3 जिलों का दौरा करेंगे, गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के भागलपुर में कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर, टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज, नागपुर में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा पहला टेस्ट मैच।